हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे दीतिमन। नेहरू युवा केंद्र संगठन स्वायत्त संस्था युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी आई है, जहां पर एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट यहां एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस या कोई एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का। यहां पर सैलरी यहां पर 40,000 पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहने वाली है। ऑल स्टेट यहां पर अलाउ रहेंगे। तो सबसे पहले एक छोटे जो नोटिस है जो कि जारी हुआ है यहां से, जिसमें ये लिखा गया है कि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कैंडिडेट को जो है रीड राइट और स्पीक इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। जॉब लोकेशन जो है वो आप लोगों की क्या रहेगी, तो यहाँ NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ये आपकी जो है जॉब रहने वाली है। अब कंप्लीट नोटिफिकेशन हम देखेंगे, कैसे एप्लीकेशन करेंगे सारी चीजें हम जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेहरू युवा केंद्र संगठन इसकी मेन वेबसाइट है। नीचे आप आएंगे, यहां पर वैकेंसी आपको नजर आ रहा है, तो रीड मोर पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए 24/8/2023 ये शॉर्ट नोटिस है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है। उसके बाद 17 अगस्त दूसरा जो दिख रहा है आपको, ये जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन है। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कैसे एप्लीकेशन करेंगे। तो सभी जो है इसी पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है। ये 4 पेजों की पीडीएफ फाइल है, इसी में नोटिफिकेशन है, इसी में एप्लीकेशन फॉर्म है। बहुत ही सिंपल तरीका है एप्लीकेशन करने का। तो ये इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, अंत तक वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा एप्लीकेशन कैसे करेंगे। 17/8/2023 को ये एडवर्टीजमेंट जारी हुई है। नेम ऑफ पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल। उसके बाद एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन जो कहा गया है यहाँ पर, एप्लीकेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी राज्य का जो है कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकता है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। बेसिक नॉलेज मांगी गई है, कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एज जो है यहाँ पर 45 ईयर रहने वाली है। क्या काम करना होगा आप लोगों को यहाँ पर, तो काम जो है यहाँ पर रहेगा कि एवेल्यूशन ऑफ स्कीम एंड इनिशिएटिव ऑफ NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन। तो ये जो योजना है इसका क्या करना है, विकास कैसे हो, कैसे जो है इसकी पहल हो, ये आपको काम करना होगा। ड्राफ्टिंग ऑफ कंटेंट यहाँ पर ड्राफ्टिंग करनी होगी। टू कैरी आउट रिसर्च वर्क, जो आपको रिसर्च वर्क दिया जाएगा तो वो आपको करना है। पार्टिसिपेशन आप लोगों का यहाँ होना चाहिए, कोई भी प्रोग्राम या एक्टिविटी अगर होती है। युवा पीढ़ी की जो पहल है उस पर जो है क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें यहाँ पर काम आपकी रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड सैलरी रहेगी 40,000। देखिए यहाँ पर आप फिक्स्ड मंथली अमाउंट आपको एक मंथ में 40,000 जो है वो मिलेंगे। पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर 8 डेज ऑफ लीव, आपको 8 दिन की छुट्टी जो है एक मंथ में मिलेगी। तो यहाँ पर कैसे एप्लीकेशन करेंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। बहुत ही सिंपल तरीका है एप्लीकेशन करने का, या ये जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पर ddpersonal@gmail.com, इस पर आप लोगों को मेल करना है एप्लीकेशन फॉर्म यंग प्रोफेशनल इन नेहरू युवा केंद्र संगठन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट आपकी, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रेशर भी यहाँ एलिजिबल हैं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो सकता है। एड्रेस प्रूफ आपका आधार कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस ईमेल आईडी पर जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं इसकी जो है आप लोग स्कैन करके और पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करना है। सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में आप जो है वो बदल लें उसको, और उसके बाद आप लोगों को इस ईमेल आईडी पर भेज देना है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट डेट, यहां पर कहा है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त 2023 तक, यानी उससे पहले ही आप एप्लीकेशन कर दें जो भी आपके पास 2-3 दिन बाकी हैं। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप देखेंगे यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहने वाली है। और अभी जो है वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए, जो कि मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस की एक बात और भी बताऊंगी यहाँ पर, एप्लीकेशन आप करें या ना करें। यहाँ पर जो है आप लोगों को इस पर कुछ नहीं लिखना है एप्लीकेशन नंबर पर, क्योंकि टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, ऑफिस के द्वारा ये भरा जाएगा। पोस्ट का नाम बिल्कुल पहले से ही लिखा हुआ है, फोटो आपको लगानी है।
पर्सनल डिटेल आप भर देंगे, नेम इन फुल, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें। हिंदी इंग्लिश आप लोगों को बोलनी पढ़नी आनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आप लोग भर देंगे। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की है या नहीं है वो आपको लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है, इफ़ एनी, अगर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। टीचिंग से संबंधी है तो भी आप लिखें। डू यू हैव एनी पुलिस कोर्ट केस वगैरह ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप नो लिख देंगे, डेट डाल देंगे और अपना साइन कर देना। बस इतना सा ही जो है वो काम रहने वाला है। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कितने समय का रहेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर ये पोस्ट है। एक पोस्ट है यंग प्रोफेशनल की टिल मार्च 2024, 2024 तक जो है ये आप लोगों का जो है समय रहेगा यहाँ पर वर्क करने का। उसके बाद ये रखेंगे या नहीं रखेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो 2024 तक तो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स रहने वाली है सैलरी आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एप्लीकेशन वही स्टूडेंट करें, मेरी पर्सनल राय है। बहुत अर्जेंट जो है जिनको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि 40,000 जो सैलरी है वो भी कुछ कम नहीं है। 40,000 सैलरी जो है मार्च 2024 तक अगर आपके पास आती है तो काफ़ी हो जाएगी। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो साइड वर्क के रूप में ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही जो है केवल डिपेंड रहना ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इसकी जो मेन वेबसाइट है जो कि मैंने आपको बताई, ये इसकी मेन वेबसाइट है नेहरू युवा केंद्र संगठन। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को वैकेंसी पर जाना है, रीड मोर पर क्लिक करना है और ये कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाएगा। नीचे जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दी है और फिर भी जो है वो आप लोग दोबारा से पढ़ें एप्लीकेशन करने से पहले। और इसको जो है आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट के स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में बदलना है और उसके बाद जो है आप लोग सेंड कर दें ईमेल आईडी पर, ठीक है। इसका जो लिंक मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ईमेल आईडी है जिसको आप लोगों को इसी पर जो है वो भेजना है 31 अगस्त से पहले। यहाँ पर कोई भी आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। और एक और चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर सिलेक्शन जो है किस तरीके से होगा, यहाँ लिखा है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड बाय अ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी जो है वो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन करेगी पर्सनल इंटरव्यू के बेस पर। और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो भी चेक की जाएंगी, एलिजिबिलिटी आपकी क्या रही है। यहाँ पर द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन होगा तो वही बिल्कुल फाइनल होगा कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यदि आपको सही लगती है जॉब तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।